नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साबरमती स्टोरी, द साबरमती स्टोरी, विक्रांत मैसी की बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। मूवी को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं, काफ़ी तारीफ़ की है लोगों ने। 50 करोड़ के बजट में बनी हुई है मूवी और आज अपने तीसरे हफ्ते में 26 करोड़ कमा चुकी है। धीरे धीरे ये मूवी अपने बजट को कवर कर रही है। रिव्यू बहुत अच्छे मूवी के, इन बातों में कितनी सच्चाई है। ये मूवी मैंने मिस की थी सिंघम के चक्कर में, भूलभुलैया 3 के चक्कर में। अब मैं काफ़ी देर बाद देखने आया क्योंकि इसके रिव्यू मुझे इतने अच्छे लगे हैं, ट्रेलर इतना ज़बरदस्त है, मूवी से पूरी उम्मीद है। और मेरे साथ मेरे भाई साहब भी हैं, हमेशा हमेशा मूवीज़ रिव्यू करते हैं, देखते हैं। भाई साहब, क्या मतलब आपको क्या लगता है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, कैसी रहेगी मूवी, कुछ बताइए। अब शानदार रहने वाली है, ठीक है। इसका जो रिव्यू रहेगा हम आके बताएंगे आपको इंटरवल में। ठीक है जी, इंटरवल तक बताते हैं कितनी रेटिंग मिलेगी, कैसी है मूवी, फिर मिलेंगे फाइनल रिव्यू में मूवी के एंड में। मैं जा रहा हूँ थिएटर के अंदर, सिनेपॉल जगत आपको दिखाता हूँ। देखिए आप मेरे पीछे सिंगल स्क्रीन, ये देखिए बहुत बढ़िया बना हुआ जगत, मेरा आधा मेरा फेस आ रहा होगा, आधे सिनेमा आ रहा होगा। तो मैं चला थिएटर के अंदर, ऑडी नंबर 1 है मेरा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आने वाली मूवी पुष्पा अल्लू अर्जुन की रिव्यू करेंगे 5-6 दिसंबर को। देखिए मेरे पीछे मुफासा, ये भी देखेंगे अपने पेड़ के साथ। जुड़ जाइएगा मेरे साथ, अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 आ रही है आपके लिए। साबरमती रिपोर्ट आपके लिए सीधा थिएटर से शुरू हो चुकी है। जबरदस्त, बेमिसाल, शानदार पब्लिक देख सकते हैं पीछे साबरमती लेक के लिए, कितनी पब्लिक। तीसरा हफ्ता शानदार परफॉर्मेंस, विक्रांत मैसी की एंट्री हो चुकी है मूवी के अंदर। मूवी का देखिए विक्रांत मैसी इंटरवेंशन। तो दोस्तों, इंटरवल हो चुका है मूवी का, द साबरमती रिपोर्ट। अभी तक मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, 5 में से 4 स्टार दूंगा मूवी को। मूवी में पकड़ है, आप उसमें बोर नहीं हो सकते, मूवी आपको पूरा बांध के रखेगी और काफ़ी अच्छी मूवी लग रही है। और मुझे उम्मीद है कि इंटरवल के बाद साबरमती स्टोरी साबरमती की तरह फास्ट भागने वाली है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? अभी तक बांध के इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कोई सॉन्ग नहीं है, गाना नहीं है, स्टोरी के ऊपर पूरा फोकस है। सही, बिल्कुल सही बात है। स्टोरी में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? वैसे सच्चाई तो आपको मिली जुली लग रही है कुछ, क्या सच्चाई तो आपको पता ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए। मूवी अभी तक बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू मूवी बहुत अच्छी बनाई है, बांध के रखा हुआ है, सच्चाई की बात अलग रखे, इंजॉय करें। और विक्रांत मैसी हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त लगती है, एकदम बिल्कुल सुपर। और इसमें जो एंकर का रोल किया है वो चित्रा त्रिपाठी जैसी लग रही हैं, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा है। बात डिटेलिंग में बात करेंगे, रेटिंग देंगे, पूरा रिव्यू करेंगे मूवी खत्म होने के बाद। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। खत्म हो चुकी है साबरमती स्टोरी, मिलते हैं बाद पूरे रिव्यू के साथ। पब्लिक बाहर जाती हुई देखिए आप, कम से कम 50 से 60 लोग मिलते हैं बाहर, ऑडियंस देखिए आप। चलिए रिव्यू करते हैं बाहर। तो दोस्तों, अभी ख़त्म हुई है विक्रांत मैसी की द साबरमती स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं रेटिंग की, मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार, 5 में से 3 स्टार स्टोरी को, क्योंकि देखिए रियल सिनेमा है, रियल स्टोरी है, तो इसमें आपको मासिस के लिए बहुत अच्छे गाने या बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं मिलेगा। सच्ची जो कहानी होती हैं वो थोड़ा सा रियल होती हैं और उनको हम इतनी रेटिंग नहीं दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 में से 3 स्टार। अच्छी मूवी है, हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और एक बार देखी जा सकती है। बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी आप जानते हैं, सब लोग अवेयर होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं कि साबरमती स्टोरी किस पे, ट्रेन के ऊपर है, उसमें आग लगी थी और वो आग नहीं लगी थी, एक साजिश थी। ये इस फिल्म में दिखाया, मुझे भी ये अभी पता लगा है क्योंकि पहले जो 2002 में दिखाया गया था इस केस को, एक एक्सीडेंट दिखाया गया था, और जब सच्चाई जो थी वो 2017 में निकली और उसमें बताया गया कि ये एक सोची समझी साजिश थी। तो इस तरह की मूवी है, तो स्टोरी ज़्यादा डिस्क्लोज करने के लिए कुछ है नहीं। और बात करें स्टार कास्ट की, तो विक्रांत मैसी की बहुत बढ़िया एक्टिंग, शानदार। वो हमेशा उन्होंने 12th फेल मूवी की थी, सेम वही परफॉर्मेंस इस मूवी में भी दी है। रिद्धि डोगरा एंकर के रोल में बहुत अच्छी लगी हैं, उन्होंने लाइक चित्रा त्रिपाठी जैसा कुछ रोल किया है, क्योंकि मैं ABP न्यूज़ में था तो आई नो चित्रा वेरी वेल, तो सेम वैसी मुझे लगी कहीं ना कहीं। और दूसरा जो है इसमें ऋषि खन्ना, उनका रोल भी काफ़ी अच्छा है। तो ये 3 लोग मुझे दिखे। बात करें
डायरेक्शन की, डायरेक्शन भी अच्छा है। एकता कपूर और शोभना कपूर की बहुत अच्छी मूवी है। अभी इसने अपना बजट रिकवर नहीं किया है, लेकिन स्लोली स्लोली ये बजट रिकवर कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, मॉरल ऑफ द स्टोरी समरी निकालें, तो मेरी तरफ से मूवी देखी जा सकती है, एक बार देखी जा सकती है। अच्छी कहानी है, सच्चाई पे है। मेरे साथ मेरे भाई साहब हैं, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा, भाई साहब आप पहले तो मूवी को कितनी रेटिंग देंगे और मूवी आपको कैसी लगी? 3.5 रेटिंग। ठीक है, और मूवी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये दिखाया गया है कि मीडिया के जो सोच है, जो एक उनका जो काम करने का जो ग्राउंड लेवल है, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके वो ख़त्म होता है। जी ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जब भी कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है मीडिया पे या कोई टेलीविज़न पे या FM पे, तो उसको 100% यकीन मत मानिए। उसके अंदर बहुत से तथ्य छुपे होते हैं कि जो वो पब्लिकली और ऑफिशियली नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तथ्य को दबाया जाता है ताकि लोग उस चीज़ के, अब कोई ऐसा ना हो कि अपद्र ना हो कि जनता के अंदर नहीं। इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि इसमें दिखाया गया कि मीडिया करप्ट है, या मीडिया 2002 में करप्ट था, 2017 में क्या, 2025 तक भी करप्ट है, 2030 तक भी करप्ट रहेगी मीडिया, और 2017 में फिर वही मीडिया कुछ और लेके आ जाता है, सच्चाई लेके आ जाता है। तो मतलब अगर सच्चाई लेके आनी है तो शुरू में ही आनी चाहिए, वो इतने सालों बाद आए तो फिर वो किसी काम की नहीं। और इसके जो कसूरवार हैं और जो पूरा ब्लेम जाता है, वो जाता है हमारे नेशनल जो पॉलिटिशियन है या लीडर्स हैं उनके ऊपर जाता है। इनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। चलिए, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ये काम करवाते हैं, बाद में दबाते हैं, फिर बाद में उजागर भी करते हैं, अपने फायदे के लिए आम पब्लिक को यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट फेयर। चलिए, ये रहा पूरा पूरा समीकरण मूवी का। तो मूवी देखी जा सकती है, मेरी तरफ से 3 स्टार, भाई साहब की तरफ से 3.5 स्टार। फिर मिलेंगे अपने अगले रिव्यू में। मेरा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। और हम देखेंगे भाई साहब के साथ पुष्पा 2। चलिए, अल्लू अर्जुन के साथ मिलते हैं, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।